तो एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो न्यू टेक गैजेट्स की हमेशा से कोशिश रही है कुछ ऐसे ही गैजेट्स आपके सामने लाने की। तो आज की इस वीडियो में भी होने वाले हैं कुछ ऐसे ही मजेदार गैजेट्स जिन्हें देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10, टिक टाइम। टाइमर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, फिर चाहे बात स्टडी में टाइमर लगाकर पेपर सॉल्व करने की हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में अपने वर्कआउट को ट्रैक करने की। ज्यादातर लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं अपने टाइमर को सेट करने के लिए, लेकिन ऐसे में मोबाइल फोन से डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए अगर आप टाइमर को सेट करने चलते हैं और कोई नोटिफिकेशन फोन पर आ गया तो फिर तो काफी ज्यादा समय उस पर ही आपका बीत जाता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसे टाइमर को इस्तेमाल करना जिसमें कि किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन ना हो तो ये गैजेट खास तौर पर गया है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको टाइम के कुछ प्री फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। जिस भी फेस को आप ऊपर की तरफ फेस करके रख देते हैं ये खुद ब खुद टाइमर स्टार्ट हो जाता है। साथ ही आपको इसमें एक छोटी सी डिजिटल वॉच भी देखने को मिल जाएगी जिससे कि टाइमर लगाना और भी आसान रहेगा। लेकिन अगर आप इसे क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके प्री सेट फॉर्मेट काफी बेहतर रहेंगे। इसका इस्तेमाल आप अपनी स्टडीज के दौरान कर सकते हैं या फिर अपने वर्कआउट वगैरह को भी ट्रैक करने के लिए इस गैजेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 9, हाइडअवे। प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल तो हम भी जरूर से करते हैं पानी को कैरी करने के लिए, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान जब भी हमारा पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग खाली बॉटल्स कैरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ऐसे में जब भी हमें पानी की जरूरत होती है तो हम फिर से एक नई बॉटल परचेज कर लेते हैं। ये चीज सुनने में तो मजेदार लगती है, लेकिन इससे प्लास्टिक वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसको देखते हुए खासतौर पर इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल को तैयार किया गया है जो कि एक तरीके की फोल्डेबल बॉटल है। इस बॉटल की खास बात ये रहती है कि नॉर्मली तो इसका इस्तेमाल आप अपने पानी को कैरी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तो आप आसानी से इसे फोल्ड करके कहीं भी इजीली कैरी कर पाएंगे। यानी कि साइज में इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि आपके पॉकेट में भी इजीली आ जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक कमाल का फीचर और दे रखा होता है जिससे कि आप अपने पानी को फिल्टर भी कर सकते हैं। यानी कि बाहर मिला पानी वो कितना साफ है कितना नहीं ये आप पता नहीं लगा सकते, तो इसमें लगा छोटा सा फिल्टर की मदद से आसानी से आप पानी को साफ करके पीने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक कमाल का फीचर इस छोटी सी बॉटल में देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, ब्रश हीरो। आप भी अपनी कार्स या फिर बाइक्स को धुलवाने के लिए व्हीकल वॉशिंग स्टेशन तो जरूर से जाते होंगे, जहां पर आपने देखा होगा कि एक बड़े से प्रेशर पंप की मदद से पानी का प्रेशर क्रिएट करके आपकी गाड़ी धोई जाती है। लेकिन कभी कभी अगर आपने गौर किया है तो इतना प्रेशर होने के बावजूद भी गाड़ी अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाती, क्योंकि निचले हिस्से पर काफी मिट्टी वगैरह लगी होती है जिसे कि जनरली किसी ब्रश से साफ करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एक ऐसा ही गैजेट दिखाने वाला हूं जहां पर पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करके ब्रश को ऑपरेट किया जाता है और इस ब्रश की मदद से आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से साफ की जा सकती है। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसके कि अगले हिस्से में आपको ब्रशेस लगे हुए देखने को मिल जाएंगे और पीछे की तरफ एक छोटा सा कंटेनर रहता है जिसमें कि आप क्लीनिंग लिक्विड भर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही पानी के प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो इसके अगले हिस्से में लगा हुआ ब्रश काफी तेजी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से आप अगर गाड़ी वगैरह धुलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करेगा ये ब्रश। वहीं इसमें आपको पानी का प्रेशर भी मिल जाता है जिससे कि बार बार आपको पानी मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रश मारने का काम और साथ ही साथ गाड़ी धुलने का काम एक साथ ही हो जाता है इस गैजेट की मदद से। तो अगर आप भी अपने घर पर ही गाड़ी धुलते हैं तो इस गैजेट को एक बार जरूर से इस्तेमाल करिएगा। नंबर 7, फ्लिक। ड्राइविंग करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पीछे वाले को अंदाजा नहीं होता है कि आप क्या करने वाले हैं। यानी कि अगर आप अचानक ब्रेक लगाने वाले हैं, टर्न करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें जनरली पीछे की तरफ एक सिग्नल देना पड़ता है। हालांकि टर्निंग सिग्नल की व्यवस्था तो गाड़ी में टर्निंग इंडिकेटर्स के तौर पर होती है, लेकिन स्टॉप के लिए कोई भी सिग्नल नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खास तौर पर सिग्नल देने के लिए बनाया गया है। ये कनेक्टेड होता है एक छोटे से रिमोट कंट्रोल से जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें लगे हुई बटन्स को पुश करते हैं तो उसके चारों तरफ LED लाइट्स जलने लगेगी और आपको एक हैंड का सिग्नल बना हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके के सिग्नल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। देखने में ये गैजेट काफी कमाल का लगता है और आपकी कार को एक यूनिक लुक भी देगा जो कि मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 6, थिन ऑप्टिक्स। अगर आप परमानेंट ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैजेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो अपने ग्लासेस को उतार कर यूं ही रखकर भूल जाते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको समय पर वो पावर ग्लासेस मिलते नहीं है। तो ऐसे में खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके का अटैचमेंट जो कि आपके ग्लासेस को सेफली कैरी कर सकता है। जी हां दोस्तों, इस अटैचमेंट को आप अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत होती है आपके चश्मे की तो इसमें फौरन वो मौजूद रहता है जिससे कि आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी लगातार ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैजेट आपके ग्लासेस को सेफ एंड सिक्योर रखता है और हमेशा आपके लिए अवेलेबल भी रखेगा जिससे कि आप जब चाहें जहां चाहें इसका इस्तेमाल कर सकें।
नंबर 5 लिंक शूज। दोस्तों हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के स्लीपर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे बाथरूम में पहननी हो तो हमें एक ऐसी स्लीपर चाहिए होती है जो कि आसानी से पानी में फिसले ना, और अगर आप टहलने जाते हैं तो आपको एक अलग तरीके के स्लीपर की जरूरत पड़ती होगी। तो इन अलग अलग बहुत सारी नीड्स को कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्लीपर्स को, जो एकदम यूनिक डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलती है। इन स्लीपर्स की खास बात ये रहती है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई स्ट्रैप वगैरह नहीं होता, और साथ ही ये एक फ्रेम की तरह आपके पैरों में चारों तरफ से सेट हो जाती है, के बाद आप इसका इस्तेमाल जहां चाहे वहां पर आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक मजे की बात और रहेगी कि अगर आपका पैर हल्का फुल्का कहीं टकरा भी जाता है तब भी आपके पैरों में कोई चोट नहीं आने वाली, तो इसकी सेफ्टी भी नॉर्मल स्लीपर से काफी बेहतर होती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके के स्लीपर्स कैसे लगे। नंबर 4 कूल पर। ऑफिसेज वगैरह में अक्सर ऐसा होता है कि हम काम में इतना मशगूल होते हैं कि हमारे लिए अगर कोई चाय कॉफी रखता है तो वो धीमे धीमे ठंडी हो जाती है, या फिर अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक रख दी तो वो धीमे धीमे गर्म हो जाती है। तो ऐसे में हमें जरूरत होती है इस तरीके के गैजेट की, जिससे कि हम इजिली अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा और अपनी चाय कॉफी को गर्म रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा पोर्टेबल गैजेट होता है जिसे कि आप प्लग कराकर इजिली इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें एक छोटा सा स्पेस होता है जहां पर आप एक छोटी सी बोतल की मदद से अपने पानी को गर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाय कॉफी बनाकर पीना चाहते हैं तो वो भी इसमें बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर आपको ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा हो तो इसमें इजीली आप किसी भी ड्रिंक को रखकर लगभग 12 मिनट में अच्छी तरीके से ठंडा कर सकते हैं। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज गैजेट है जिसे कि आप किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल केवल आप अपने ऑफिस की डेस्क पर ही नहीं बल्कि अपनी कार में भी कर सकते हैं अपनी पसंदीदा ड्रिंक्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। नंबर 3 एम्फी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि अंडर वाटर सी एक्सप्लोर करने का शौक होता है, यानी कि समुद्र के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने का अपना एक अलग मजा है। हालांकि लोग इसके लिए डाइविंग करते हैं लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जिससे कि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही पानी के अंदर रह पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हाथ पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है और आपको ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि आप बहुत देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते। तो अगर आप एक लंबा समय गुजारना चाहते हैं पानी के अंदर एक्सप्लोर करते हुए तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। ये एक तरीके का पिलर होता है जिसे कि आपको अपने पैरों में पहनना होगा, जिसके बाद आप हैंड फ्री डाइविंग कर सकते हैं, यानी कि आपको पानी के अंदर तैरने के लिए हाथों की जरूरत नहीं होगी बल्कि आप अपने पैरों का मूवमेंट कराकर ही पानी के अंदर कहीं भी जा सकेंगे। इसके नीचे लगे हुए प्रोपेलर्स आपको थ्रस्ट भी देते हैं जिससे कि बड़ा ही आसान रहता है पानी के अंदर मूवमेंट को करना। तो दोस्तों इस गैजेट के लिए खासतौर पर एक लाइक तो बनता है अगर आप भी डाइविंग वगैरह के शौकीन हैं तो। नंबर 2 मैनगाटा ऑर्बिट। पावर बैंक की जरूरत तो हमें पड़ती ही रहती है अगर हम ट्रैवल पर अक्सर बाहर जाते रहते हैं तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पावर बैंक को जब घर से लेकर निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो फुली चार्ज है या नहीं, और जब हम अपने फोन को चार्ज करने चलते हैं तो वो एकदम खुद ही डिस्चार्ज होती है। तो ऐसे में आपके काम आएगी इस तरीके की पावर बैंक जो कि वायरलेस चार्जिंग डॉक के साथ आती है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको 5000 mAh की दो पावर बैंक देखने को मिल जाती है जिन्हें कि आप अलग अलग सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसका चार्जिंग डॉक आपको एक अलग से मिल जाएगा जिससे कि जब भी आप इसे इस्तेमाल करने के इस पर दोबारा से रख देते हैं तो ये खुद ब खुद ही चार्ज होना शुरू हो जाएगी, और आप अल्टरनेटली इन दोनों ही पावर बैंक्स को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी टोटल बैटरी कैपेसिटी 10,000 mAh की होती है जिससे कि आप इन दोनों ही पावर बैंक्स को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप कमेंट करके केवल इतना बताइएगा कि आप किस कंपनी की पावर बैंक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। नंबर 1 रिवाइवर। लोग अपने व्हीकल्स में अलग अलग तरीके की नंबर प्लेट्स को लगवाना पसंद करते हैं, लेकिन आप कितनी भी कस्टमाइज नंबर प्लेट लगवा लें कुछ दिनों बाद आप खुद ही बोर हो जाते हैं उस नंबर प्लेट को देखते हुए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी नंबर प्लेट दिखाने वाला हूं जिसे कि आप जब चाहें जहां चाहें बड़ी ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये होती है एक तरीके की डिजिटल नंबर प्लेट जहां पर आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें कि आप अपने नंबर को अलग अलग तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आसपास छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया के अंदर इस तरीके की लाइसेंस प्लेट अलाउ नहीं है, जिसके लिए फिलहाल अभी हम लोग को हो सकता है कुछ दिनों और भी इंतजार करना पड़े। तो कमेंट करके फिलहाल ये बताएगा कि आपको इस तरीके की डिजिटल लाइसेंस प्लेट कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो में दिखाई गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।